तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे फैक्ट लाए हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाने में जो चीज पसंदीदा होती है उनमें अंडा सबसे पहले नंबर पर आता है। आमतौर पर हम सफेद अंडों का इस्तेमाल करते हैं जो 5 से 10 रुपए तक मिल जाते हैं। वही अमीर लोग देसी अंडे खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर की सलाह पर इनका सेवन भी करते हैं जिनका कीमत 20 से 25 रुपए के बीच हो। पर आज हम आपको जिन अंडों के बारे में बताने जा रहे हैं उनकी कीमत सैकड़ों हजारों लाखों छोड़िए करोड़ों के नीचे नहीं है। हम इन अंडों को खरीद तो नहीं सकते लेकिन ये जान तो सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे अंडे कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं। विश्व का सबसे महंगा अंडा रॉथचाइल्ड हेबरेज ईस्टर एग। इस अंडे की कीमत $9.6 मिलियन यानी कि 78 करोड़ भारतीय रुपयों से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे ईस्टर अंडे को कई तरह के हीरे से जड़ा बेहद ही खूबसूरत बना दिया है। डायमंड्स के अलावा इस अंडे के अंदर गोल्ड से कवर किया गया है। अंडे को खाकर आप सेहत तो नहीं बना सकते क्योंकि ये खाने वाला नहीं बल्कि सजाने वाला आर्टिफिशियल अंडा है। बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे महंगे अंडे की। दुनिया का सबसे महंगे अंडों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मिराज ईस्टर ईग। इसकी कीमत है $8.4 बिलियन। अगर इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत 72 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी। ये अंडा 18 कैरेट गोल्ड से बना है जिसके ऊपर 1000 डायमंड जड़े हैं। इस अंडे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा सा हीरा अपनी चमक बिखेर रहा हो। दुनिया का तीसरा सबसे महंगा अंडा तीसरे नंबर पर है डायमंड स्टेला ईस्टर एग्स, जिसकी कीमत तकरीबन 82 लाख रुपए बताई जा रही है। दुनिया का सबसे महंगे अंडों में से यह अंडा खरीदने के लिए आपको आपका सब कुछ बेचना पड़ सकता है। करीब 65 सेंटीमीटर लंबा अंडा देखने में एक चॉकलेट की तरह लगता है। हालांकि इस अंडे को डायमंड और सोने से तराशा गया है। तो फैक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दोस्तों देश की सबसे बड़ी बैंक में से एक है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि विश्व की सबसे बड़े निगमों में से एक भी है। आज हम बात करेंगे SBI के लोगों के बारे में। यह हर किसी ने देखा है। इस लोगों को लेकर यह बात अक्सर सुनी जा सकती है कि इसे बनाने की प्रेरणा अहमदाबाद के कांकरिया लेक से ली गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट ने अपनी राय भी रखी है। कुछ समय पहले इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स के बीच तीखी बहस भी हुई थी। क्या वाकई भारतीय स्टेट बैंक का लोगो कांकरिया झील से प्रेरित नहीं? आइए जानते हैं इस फैक्ट के बारे में असल सच्चाई क्या है। दरअसल बात यह है कि पिछले साल सोशल मीडिया पर इस बात की बहस जारी की थी कि भारतीय स्टेट बैंक का लोगो अहमदाबाद की कांकरिया झील के आकार से प्रेरित होकर बनाया गया है। इन दोनों में समानता दिखाने के लिए झील की एक सैटेलाइट इमेज और बैंक के लोगो की इमेज को मर्ज करके खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि SBI का लोगो कांकरिया झील से प्रेरित नहीं है। यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों की बनावट एक जैसी है। SBI लोगो के बारे में द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले यह लोगो बरगद के पेड़ से प्रेरित था, जिसमें बदलाव के कारण ये की होल की तरह नजर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बैंकों को मिला दिया गया। आजादी के बाद साल 1955 में IBI को SBI बना दिया गया। तब गोल सिक्के पर बरगद का पेड़ एक नए लोगो के तौर पर जारी कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लोगो के डिजाइन के लिए बनाई गई 2 सदस्यीय टीम के सदस्य शेखर कामत के अनुसार ये एक सिर्फ की होल है जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, ना कि कांकरिया झील, ना कि बरगद का पेड़। आपने पुरुष इंडियन क्रिकेट टीम को नीली टी शर्ट में खेलते हुए न जाने कितनी बार देखा होगा। कई बार तो इसकी टी शर्ट के रंग में बदलाव भी होते रहे। हालांकि क्या कभी आपने भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट को ध्यान से देखा है? अगर नहीं तो आज जरूर देखिएगा। दरअसल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर ठीक BCCI के लोगो के ऊपर 3 स्टार बने होते हैं। आप इसे दी गई फोटो में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं आखिर ये स्टार्स खिलाड़ियों के टी शर्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? इसके अलावा आपने कभी ध्यान दिया है कि आखिर भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर 3 ही स्टार क्यों बने होते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम इस राज के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्रिकेटर्स की टी शर्ट पर बने ये स्टार्स किसी डिजाइन का हिस्सा नहीं है। इन स्टार्स का अपना एक ही महत्व है। दरअसल ये स्टार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा हासिल की गई जीत के बारे में संकेत देते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर ये स्टार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये 3 स्टार भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप को याद दिलाते हैं। आखिर इंडिया की टी शर्ट पर 3 स्टार क्यों है?
आप सभी जानते होंगे कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा अब तक क्रिकेट इतिहास में 3 बार वर्ल्ड कप जीता गया है। इसमें से भारतीय टीम ने 2 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता है। इसीलिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की टी शर्ट पर जीते गए वर्ल्ड कप को दर्शाने के लिए ये 3 स्टार को ठीक BCCI के लोगों के ऊपर बनाया गया है। इस टीम ने हासिल किए सबसे ज्यादा स्टार। ऐसे में अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया की टी शर्ट पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि उनकी टी शर्ट पर 6 स्टार बने हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा अब तक 6 बार वर्ल्ड कप जीता जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता है। फैक्ट कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए।